Hi everyone, hope you all must be doing great. So let's start with question number 6. Again, ये easy question है, तो मुझे लगता है कि आज का homework आपका थोड़ा easy होने वाला है. Question number 6 says, section 222E के बारे में ये question कह रहा है, तो first I am reading the question, then I'll look into the presentation part also. Question number 6 says, Mr. Rajan has a 15% shareholding in BSL Private Limited. So there is a company in which Mr. Rajan is a shareholder of 15%. It's a private limited company. Private limited companies are unlisted company, जिसको हम closely held companies भी बोलते हैं. बेटा, there are two types of company. One is closely held, one is widely held. Widely held का मतलब होता है जहाँ पर public ने अपना पैसा लगाया हुआ होता है, where public is substantially interested. But यहाँ पर कुछ लोग ही पैसा लगाते हैं, तो इट्स अ क्लोजली हेल्ड. क्लोजली हेल्ड मतलब कुछ क्लोज लोगों ने, कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ रिलेटिव्स ने मिलकर पैसा लगाया हुआ है. तो जनरली ऐसी कंपनीज कौन सी होती है? अनलिस्टेड कंपनीज. सो आई एम रिपीटिंग, क्लोजली हेल्ड कंपनीज आर अनलिस्टेड कंपनीज. यानी कि कौन सी कंपनीज हो सकती हैं? प्राइवेट कंपनीज. और प्राइवेट कंपनीज आर क्लोजली हेल्ड. यहाँ पर हम पब्लिक के पास नहीं जाते पैसा मांगने के लिए. सो इट्स अ प्राइवेट कंपनी, अ क्लोजली हेल्ड कंपनी. एंड हैज ऑल्सो 50% शेयर इन राजन एंड सन्स, अ पार्टनरशिप फर्म. तो मिस्टर राजन हमारी कंपनी में शेयर होल्डर हैं 15% के, और एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर ये 50% के ओनर भी हैं, 50% के पार्टनर भी हैं. 50% यानी कि सब्सटैंशियल ओनर है वहां पर, 20% और मोर के ओनर हैं उस पर्टिकुलर फर्म में. आपको थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा होगा ये 222E की तरफ क्वेश्चन जा रहा है. आगे लिखा हुआ है, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज ₹20 लाख एंड राजन एंड सन्स, यानी कि इनकी जो पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने यहाँ से लोन लिया है 25 लाख का. ओके, करना क्या है? एक्सप्लेन वेदर द अबव लोन इज ट्रीटेड एज डिविडेंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. आपको बताना है क्या ये लोन डिविडेंड की तरह ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. बिल्कुल ठीक बात है, किया जाएगा. सो यू विल स्टार्ट योर आंसर लाइक दिस, कि एज पर सेक्शन 222E, कोशिश कीजिए 222E याद करना. सेक्शन 222 होता है डीम डिविडेंड का, एंड इट हैज़ 5 पार्ट्स, ए बी सी डी और ई. और ई यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. आप कोशिश करें नंबर के साथ याद रखने की. अगर ए बी सी डी भी नहीं याद कर पाते किस चीज़ का होता है, अभी मैं इस वीडियो में ए बी सी डी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट पर्टिकुलरली ऑन 222E. ये आपको याद होना चाहिए. सेक्शन 222E क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट, इफ़ इट इज़ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए, एंड अ शेयर होल्डर होल्डिंग 10% और मोर वोटिंग पावर. वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर्स. एक शेयर होल्डर जिसके पास 10% या उससे ज़्यादा के शेयर हो उस क्लोजली हेल्ड कंपनी में. सो इफ सच शेयर होल्डर हु हैज 10% और मोर वोटिंग शेयर्स टेक्स अ लोन फ्रॉम सच कंपनी, अगर वो इस कंपनी से लोन लेता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने कंपनी के पास प्रॉफिट हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम डिविडेंड. वो डीम डिविडेंड होगा. अगर ऐसी जगह से ये शेयर होल्डर लोन लेता है, शेयर होल्डर लोन नहीं लेता, अपने रिलेटिव्स को ये लोन दिलवा देता है, तो भी डीम डिविडेंड होगा. अपने रिलेटिव्स को ना दिलवाकर किसी ऐसी कंसर्न को लोन दिलाता है जहाँ पर इसका सब्सटैंशियल ओनर है. तो हमारे केस में मिस्टर राजन इज़ अ शेयर होल्डर ऑफ 10% और मोर वोटिंग पावर, और इसकी फर्म लोन ले रही है जहाँ पर 50% से ज़्यादा का पार्टनर है ये, दैट इज़ अ सब्सटैंशियल ओनर. यहाँ पर जो लोन अमाउंट लिया गया है वो डीम डिविडेंड हो जाएगा अंडर सेक्शन 222E, बट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने हैं? 20 लाख रुपीज़. तो आउट ऑफ 25 लाख सिर्फ 20 लाख रुपये आप डीम डिविडेंड बनाएंगे अंडर सेक्शन 222E, और इसके ऊपर CDT भी नहीं जाता है. तो देयर वुड बी नो CDT ऑन दिस 222E. तो आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाने वाले हैं वहाँ पर बताइए, दैट दिस इज़ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 10% और मोर वोटिंग पावर, इज टेकिंग अ लोन और हिज कंसर्न इज टेकिंग अ लोन वेयर दिस पर्सन हैज़ अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम डिविडेंड, बट इसके ऊपर CDT के प्रोविजंस नहीं हैं. सो आई होप आप जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट कर लेंगे. अब हम कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ. पर जल्दी से 1, 2, 6 आप कंप्लीट कर लीजिएगा. बेटा, 2 क्वेश्चंस आप रोज़ करने हैं, ज़्यादा समय आपको लगेगा नहीं.
मैक्सिमम, आज तो बहुत कम टाइम लगने वाला है, मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा, बट आपके प्रोविजंस रिवाइज होते रहेंगे. सो आई होप कि आप जल्दी से ये सारी चीज़ें कर लेंगे. कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड एंड बाय बाय.